और दोस्तों जो बच्ची है खुशी शर्मा, या कहीं ना कहीं फिल्म में भी तुम काम कर चुकी हो ना? हाँ, मैं हमारा फिल्म काम कर चुकी हूँ, जिसमें काजल राघवानी थी, ऋचा दीक्षित थी, जय यादव थे, मतलब ऐसे बहुत सारे कलाकार थे। तो दोस्तों इस विद्यालय की सबसे खूबसूरती यही कही जाएगी कि यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा को मतलब दिखाए हैं। काजल राघवानी जैसे अभिनेत्री के साथ इन्होंने फिल्म में भी काम किया है, जो अपने आप में इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, महाराजगंज जिले के लिए गौरव की बात है कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही है, और साथ ही साथ शिक्षा में भी बहुत बेहतर इसका परफॉर्मेंस है, और विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जय साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग हैं गिरैया में, बंजारी पट्टी गिरैया में, और यहाँ पर आज जो विद्यालय का वार्षिक महोत्सव है, और इसी महोत्सव को हम लोग आप दिखाने आए हैं। चूँकि दोस्तों आप देख सकते हैं मंच है, इसी मंच पर कहीं कहीं कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मंच को सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा लिखा गया, पूरा बकायदे कंपोजिट स्कूल गिरैया बंजारी पट्टी निचरौल महाराजगंज, और देखिए कितना शानदार मंच बनाया गया है। इस तरह की दोस्तों चीज़ें प्राइमरी विद्यालय में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारा यह महाराजगंज जिला का एकमात्र बंजारी पट्टी गिरैया का प्राथमिक विद्यालय है, जो अपने आप में दोस्तों एक अजूबा बन गया है। और इस महोत्सव को देखने के लिए तमाम ऐसे हस्तियाँ भी आती हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक लोगों को बताने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें सरकारी विद्यालय में भी हो सकती हैं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विद्यालय में कितने सारे अवार्ड मिले हैं, जो चूंकि दोस्तों यह जूनियर का विद्यालय है, प्राइमरी और जूनियर का विद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का अवार्ड आप बहुत बड़े बड़े प्राइवेट संस्थानों पर भी नहीं देखते होंगे। आप देख सकते हैं विजेता, आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए मंडली वैश्विक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समारोह विजेता जो प्रथम पुरस्कार है, इस तरह की तमाम ऐसी पुरस्कार यहाँ पर रखी गई हैं, जो अपने आप में दोस्तों अभी देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको। प्रथम पुरस्कार क्षेत्रीय वैश्विक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 का है, निचरौल ओवरऑल चैंपियन। तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पर तमाम ऐसे पुरस्कार रखे गए हैं, जो अपने आप में दोस्तों अजूबा है कि इस तरह की चीज़ें प्राइमरी विद्यालय में भी हो सकते हैं। कहते हैं दोस्तों अगर किसी के अंदर जुनून हो, जज्बा हो, तो कोई भी दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। और यहाँ के जो विद्यालय के जो टीचर हैं, जो संस्थापक हैं, कहीं ना कहीं जो इस विद्यालय को सजने और संवारने में जिनका भी योगदान है, उन सबका योगदान बहुत ही सराहनीय है। उन सभी को हम बार बार नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसी जज्बा और ऐसा काबिलियत बच्चों में पैदा कर दिया कि प्राइमरी विद्यालय भी प्राइवेट संस्थानों को भी चुनौती दे रहा है कि हम भी प्राइवेट संस्थानों से बेहतर बन सकते हैं, हम भी गरीबों के बच्चों में ऐसी काबिलियत ला सकते हैं जो अमीरों के बच्चे में, कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं प्राइवेट संस्थानों में, तब जाकर ऐसी काबिलियत आती है। वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में भी हो रही हैं, और हमारे यूपी का अगर हम देखें तो यूपी में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जैसे खेल हुआ, सिंगिंग हुआ, डांस हुआ, तमाम क्षेत्रों में बच्चों यहाँ के अपने अपने हुनर को दिखा रहे हैं। हमने वीडियो भी 2-3 दिन पहले बनाया था, और चूँकि आज हम आए इस विद्यालय में और देख सकते हैं इस विद्यालय को कितना बेहतर तरीके से सजाया गया है, और आज इस यहाँ विद्यालय में देखिए कितना बेहतर तरीके, देखिए यहाँ पर भी पोस्टर लगाया गया है, उधर भी मंच पर भी पोस्टर लगाया गया है, जगह जगह कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह का आयोजन कहीं न कहीं सरकारी विद्यालय में भी होना चाहिए। और तभी जाकर हमारे, जब तक बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों बाबा साहब ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों यह शिक्षा का ही बदौलत ही जितने अवार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब गुरु जी लोगों का प्रयास है, जो भी यहाँ के टीचर है उनका मेहनत है, किस तरह का अवार्ड यहाँ पर विद्यालय में मिल रहा है, और शिक्षा का ही बदौलत ही जो इतने बड़े प्रोग्राम हो रहा है, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी इस प्रोग्राम को देखने आ रहे हैं और सराहना कर रहे हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। यहाँ की छोटी सी बिटिया है, कहाँ गई ये खुशी शर्मा, कहाँ गई? बुलाइए थोड़ा इधर, आओ इधर इधर। दोस्तों एक छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है खुशी शर्मा, कितनी किस क्लास में पढ़ती है बहनी? 6th क्लास में पढ़ती है। अभी ये 6th क्लास में पढ़ती है, लेकिन इस वार्षिक महोत्सव में कम से कम इसका 10 प्रोग्राम है। आप सोच सकते हैं कि छोटे इतनी छोटी सी उम्र में 10 प्रोग्राम, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिस प्रोग्राम पर बच्चे कोई भी यहाँ मतलब लोग तालियां न बजाए हों, लोग इसी प्रशंसा न किए हों, इतना कम उम्र में इसके अंदर इतनी काबिलियत है। और सर सिर्फ एक बच्ची नहीं है, ऐसे यहाँ पर सैकड़ों बच्चियाँ हैं, बाल सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं जिनके अंदर तमाम ऐसी कुट कुट कर प्रतिभाएं भरी हुई हैं। आपको हम मंच दिखा रहे हैं, आइए मंच पर। तो साथियों आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मंच सजाया गया है, इधर भी तमाम तरह की रंगीन लाइटें लगी हैं, कितना शानदार पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है प्राइमरी पर
प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल बंजारी पट्टी गिरहिया निचरौल महाराजगंज मेलकम की। और दोस्तों जो बच्ची है खुशी शर्मा, या कहीं ना कहीं फिल्म में भी तुम काम कर चुकी हो ना? हाँ, मैं अमारा फिल्म में काम कर चुकी हूँ जिसमें काजल रघवानी थी, ऋचा दीक्षित थी, जय यादव थे, मतलब ऐसे बहुत सारे कलाकार थे। तो दोस्तों इस विद्यालय की सबसे खूबसूरती यही कही जाएगी कि यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी कहीं ना कहीं भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा को मतलब दिखाए हैं। काजल रघवानी जैसे अभिनेत्री के साथ इन्होंने फिल्म में भी काम किया है, जो अपने आप में इस विद्यालय के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, महाराजगंज जिले के लिए गौरव की बात है कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची कहीं ना कहीं समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। और साथ ही साथ शिक्षा में भी बहुत बेहतर इसका परफॉर्मेंस है और विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं उनका सहयोग है, उनकी मेहनत है कि इस गिरहिया बंजारी पट्टी का जो विद्यालय है यूपी में भी अपनी जलवा को बिखेर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ की जो विद्यालय के शिक्षा के साथ साथ जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो अपने आप में काबिल तारीफ हैं। सर जी हैं, प्रिंसिपल सर, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे हिंदी चैनल पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर जी, ये बताइए कि आपने इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया है और इतनी शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है, तो इस व्यवस्था को सफल बनाने में, इस तरह के आयोजन करने में इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षण के अलावा अन्य प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं, हम चाहते हैं उनको बाहर निकाला जाए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों में एक से एक प्रतिभाएं भरी हुई हैं। यदि हम केवल शिक्षा पर ही ध्यान देंगे तो बच्चों का जो मनोरंजन होता है वह भाग टूट जाएगा, जिससे बच्चा पढ़ने में कमजोर भी हो सकता है। और वह जो उसका मनोरंजन का जो हिस्सा है, यदि वह भाग लेगा और इस स्टेज पर चढ़ेगा तो उसके अंदर जो झिझक होगी वह खत्म होगी, और जब यह झिझक खत्म होगी तो बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा और वह हमेशा हर जगह अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा। तो ये बताइए, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में कम से कम नहीं कुछ तो लाखों रुपया खर्च होगा, तो इतना धन राशि और इतना मतलब व्यवस्था कहाँ से आप लोग करते हैं? यह ऐसी व्यवस्था है कि हमारे सारे अध्यापक तन मन धन से इसमें लग जाते हैं, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है और सभी लोग अपने तन मन धन से लगकर इस कार्यक्रम को सफलता में अपना सहयोग देते हैं। हम जहाँ भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे संजय भाई टेंट हाउस वाले हैं, अगर हम इनको 50,000 का सामान है उनको कहते 10,000 में दे दिए, तो ये कभी हमें मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें सहयोग मिलता है और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है। तो जो वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम है, यह कब से मतलब कितने सालों से इस तरह का कार्यक्रम इस विद्यालय परिवार में हो रहा है? यह हमने कार्यक्रम 2019 में शुरू किया, 2019 में हुआ और 2020 में हुआ, और आज पुनः हमारा यह कार्यक्रम 2000, क्योंकि कोरोना काल 21-22 में रहा जिसमें हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए, 2023 में हम सोचे कि हर साल का कसक एक मिटा लिया जाए और भव्य तरीके से किया जाए। इसके पहले हम कार्यक्रम दिन के समय करते थे, लेकिन आज रात्रि के समय कार्यक्रम हुआ और बहुत ही सफल रहा। इतना सफल हुआ कि लोगों को बैठने की जगह नहीं हमारे कार्यक्रम में है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो प्रिंसिपल सर, इन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम इस विद्यालय के जो भी टीचर लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, प्रधान जी हैं, तो सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। और इस तरह का इतना बड़ा आयोजन करने में कहीं ना कहीं एक लोग नहीं कर पाएंगे और सबका सहयोग रहता है तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम बेहतर होता है। तो इस समाज के लिए, इस अपने जिले जवाहर के लिए आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी मायने में कमजोर हो। हो सकता है शिक्षण में कमजोर हो तो उसके अंदर दूसरे विधा हो सकती है, क्यों हम उसके दूसरे विधा को निखा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मुझे मेरे लिए यह रहा कि जो हमारे पुराने छात्र आज निकल चुके हैं उनको एक साथ मिलने का मौका दिया जाए, और वो बच्चे आए हैं और बड़ी खुशी होती है हमारे बच्चे जब भी हम किसी काम के लिए बुलाते हैं तो बेझिझक आते हैं और कभी नहीं लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पुराने हैं और हमें पहचानते नहीं हैं। ये हमारे इतने बड़े संबल बन जाते हैं कि मैं बैठे रहूं तो भी मेरा काम हो जाता है। एक बात यहाँ पर देखने को मिला है कि दोस्तों, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं वो भी बच्चे कहीं कहीं बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनका भी भरपूर सहयोग रहा है, कुछ बच्चे कार्यक्रम भी किए और कहीं ना कहीं इस विद्यालय से उनका बहुत बड़ा लगाव जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव से अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है, शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना भरपूर सहयोग देता है, तो वास्तव में परिवार की तरह जुड़ाव बन जाता है और यह रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए प्रगाढ़ बन जाता है। तो दोस्तों, यह जो गिरहिया बंजारी पट्टी का वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम है, यह कैसा आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेगा किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।